कन्हैया देवी अपने छोटे को लेकर मैदान में आ जाएं। दिलीप सिंह प्रोग्राम है, ये सब चीजें सायर माता को अर्पित की जाती हैं ताकि सौभाग्य। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सायर उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सायर उत्सव है, यानी कि आज सायर संक्रांति है। आज से सर्दी का शुभारंभ शुरू हो चुका है, यानी कि आज से सर्दी शुरू है और वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम सायर उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज सायर के बाद से जो खरीफ की फसलें हैं, मक्की इत्यादि, उनकी कटाई शुरू की कर दी जाती है और सायर माता का पूजन होता है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सायर माता को जो फल है वह अर्पित किए जा रहे हैं। फल और फसल, ये मक्का, ये खीरे, सेब, अमरूद, अखरोट और राखियाँ चढ़ाई जाती है सायर माता को। आज जो हम राखियाँ बांधते हैं ना, रक्षाबंधन को, आज चढ़ाई जाती हैं। ये सब चीज़ें सायर माता को अर्पित की जाती हैं ताकि सौभाग्य बना रहे और खुशहाली हमारे ऊपर बनी रहे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है त्यौहार। वर्षा ऋतु में वैसे भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हम पहाड़ी लोग ऐसा करते हैं। यह है सायर माता की कहानी। जो सायर साजी है उस दिन, जो हमने सायर माता को चीज़ें अर्पित की हैं, उन चीज़ों को हम नहीं खाते। और इस दिन सायर साजी के दिन अर्की क्षेत्र में हमारे यहाँ 3 दिन का मेला होता है। अब वो राज्य स्तरीय हो चुका है, तब 1 दिन और बढ़ गया है, 3 दिन हो गए हैं। पहले यहाँ पर झोटों की लड़ाई होती थी, यानी कि जिस दिन सायर होती थी साजी, उस दिन झोटों की लड़ाई होती थी। बड़े मजे आते हैं जब हम छोटे छोटे थे। आइए अब मैं उसकी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। मुझे कहीं पर एक पुरानी क्लिप मिल गई, उसे देखिए। अब ये लड़ाई नहीं होती, अब कोर्ट ने इस पर थोड़ी रोक लगा दी है। पहले आप उस क्लिप को देख लीजिए। जाठिया देवी अपने छोटे को लेकर मैदान में आ जाए। दिलीप सिंह पनिया का छोटा मैदान में पहुंच चुका है। रास्ता खाली छोड़ दे।
ये देखिए दोस्तों, अर्की का सायर मेला, रश रास इस बार है नहीं, कुछ ऐसे ही है, मंदा मंदा प्रोग्राम। झूले इस बार लगा दिए इन्होंने दो दो, और मिक्की माउस भी है। ये देखिए आगे चल रहा हूँ।